दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया पर डाली जा रही आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें सांसद असदुद्दीन ओवैसी, यति नरसिंहानंद और भाजपा से निकाले गए नेता नवीन जिंदल का नाम भी शामिल है। कुल 31 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई इस FIR में किस तरीके का एक्शन बनता है और अगर उन पर आरोप सिद्ध होता है तो किस तरीके की सजा हो सकती है, इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिव्यांशु पांडे। जो FIR दर्ज की गई है उसमें कुल 8 सेक्शंस हैं FIR के अंदर, और इसमें जो 8 सेक्शंस हैं उनमें से 5 सेक्शंस जो हैं वो कंपाउंडेबल हैं। कंपाउंडेबल का अर्थ होता है शमनीय अपराध, मतलब ये कि जो प्रभावित व्यक्ति है जिसने कंप्लेन किया है वो और अक्यूज दोनों आपस में समझौता करके मामले को ख़त्म कर सकते हैं। इन 8 सेक्शंस में 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल नहीं हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि जो भी सेक्शंस लगे हैं उसमें समानता ये है कि ये आपसी भेदभाव को बढ़ाने वाले, जात के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर आपस में शत्रुता पैदा करने वाले जो सेक्शंस हैं वो इसमें इन्वोक किए गए हैं। तो इसमें ये है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि किसी भी अपराध में यह साबित करना होता है कि क्या इंटेंशन था उस व्यक्ति का जिसने उस शब्द का प्रयोग किया, या फिर उसने जो भी कार्य किए क्या इंटेंशन था उसके पीछे। अगर उदाहरण के रूप में देखें तो महेंद्र सिंह धोनी का एक केस था जिसमें एक मैगजीन के ऊपर उनकी तस्वीर थी और ऐसा उन पर आरोप लगा था कि उनने जानबूझकर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें यह बिल्कुल क्लियर स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर जानबूझकर भी अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है लेकिन अगर उसका इंटेंशन नहीं था वो करने का, धार्मिक शत्रुता आपस में पैदा करने का, तब उस व्यक्ति को सजा नहीं हो सकती। तो यह बहुत ही रोचक होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग किया गया है, तो अब किस प्रकार से दिल्ली पुलिस सारे सबूत को इकट्ठा करती है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता पुलिस के लिए कुछ भी करना, लेकिन क्या इंटेंशन साबित कर पाएगी, किसने किसको प्रोवोक किया क्या यह साबित कर पाएगी, यह एक देखने योग्य बात होगी। इसमें सेक्शन 153 है जो कंपाउंडेबल है और इसमें सजा 6 महीने तक की होती है। जब मैं बोलूँ कंपाउंडेबल है कोई भी अपराध तो समझौता हो सकता है, तो उसकी संगीनता कम हो जाती है, क्योंकि अगर व्यक्ति चाहता है कि छोड़ दें तो फिर वह मामले को ख़त्म कर सकता है। मैं सेक्शन 153B की बात करूँगा जिसमें किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी छापना, कुछ भी बोलना या किसी भी प्रकार से कुछ भी इस तरीके से प्रस्तुत करना जिससे ये लगे कि वह धर्म उस जाति विशेष या फिर उस क्षेत्र विशेष के लोग संविधान को नहीं मान सकते या फिर उनके अधिकारों को ले लेना चाहिए, यह सेक्शन 153B है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो इसमें सज़ा 3 से 5 साल तक की होती है। यह नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो मेरे अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे विचार से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जिसको इन्वोक किया है दिल्ली पुलिस ने। 295A है, उसमें 3 वर्ष की सज़ा होती है या फिर फाइन होता है या फिर दोनों ही हो सकता है, लेकिन ये कंपाउंडेबल है, इसमें समझौता हो सकता है। तो मैं जोर कंपाउंडेबल ऑफेंस पे दे रहा हूँ जिसमें मामले को ख़त्म किया जा सकता है। तो उसी प्रकार से 504 ये भी एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है जिसमें जो व्यक्ति प्रभावित है वह मामले को ख़त्म कर सकता है। तो मेरे विचार से हमें ध्यान उन सेक्शंस पे देना चाहिए क्योंकि जो भी बातें कही जा रही हैं किसी भी धर्म के खिलाफ वो बहुत ही धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली हैं। तो कंपाउंडेबल अगर है तो मामले को ख़त्म किया जा सकता है, अगर कंपाउंडेबल नहीं है तभी व्यक्ति को सजा हो सकती है ट्रायल के बाद। तो इसमें हमें सेक्शन 153B बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से इंटेंशन प्रूव कर पाएगी दिल्ली पुलिस। ये सुना आपने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिव्यांशु पांडे को, जिन्होंने बताया कि स्पेशल सेल द्वारा दर्ज की गई FIR में कुल 8 सेक्शन लगाए गए हैं। इनमें से 5 सेक्शन ऐसे हैं जो कंपाउंडेबल है और उनमें समझौता हो सकता है, लेकिन इसमें लगाए गए सेक्शन 153B में 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो आरोपी को 5 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि इन आरोपों को सिद्ध करना आसान नहीं होगा, पुलिस के लिए बेहद चुनौती होगी कि वह इन आरोपों को अदालत के समक्ष साबित कर सके। अमित झा, ETV भारत, दिल्ली।